देखते हैं कि क्या हम इस मंच से एक नए कवि से भी मुखातिब हो रहे हैं, पूरे देश की पहचान करवाने वाले हैं। आइए आइए आइए। स्वागत है सबसे पहले आज तक को लद्दाख की इस पेंगोंग झील के किनारे, और आज तक के माध्यम से यहाँ पे बड़े बड़े देश के जो कविराज डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उनके साथ यहाँ पे जितने भी हमारे मेहमान आए, आप सबको स्वागत। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव, आजाद देश में पेंगोंग झील जो अमृत है यहाँ के, और तिरंगा लगा के यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है, इससे बड़ा महोत्सव और क्या हो सकता है। ये आजादी के अमृत महोत्सव जो आजादी के 75वीं वर्ष हम यहाँ मना रहा है, इससे सौभाग्यशाल यहाँ के सिंधु पुत्र में अपने आप को जो मानता हूँ, और मेरे लिए ये और भी सौभाग्य क्या हो सकता है। हमेशा गर्व महसूस करता हूँ इस देश के सपूत होने में। और अभी यहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी, आपके जो कविता यहाँ पे पढ़ते समय आपने एक शब्द का जो प्रयोग किया, हमारे देश में कुछ लोग हमेशा पूछते रहते कि सेनाओं ने बलिदान दिया कि नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूँ, ये हमसे मत पूछ कि सेनाओं ने बलिदान दिया कि नहीं दिया, उस सियाचिन के तापमान से पूछ। सियाचिन के तापमान से पूछ, जो -50-60 उस तापमान से पूछ कि हमारे सेनाओं ने बलिदान दिया कि नहीं। उस 1971 के युद्ध में उस तुर्तुक से पूछ कि कर्नल रिंचन साहब के साथ नुब्रा गढ़ ने शहीद दिया, उसमें बलिदान दिया है कि नहीं दिया। करगिल युद्ध से पूछ, कैप्टन बत्रा के समेत हमारे देश के नौजवानों ने बलिदान दिया कि नहीं दिया। इस रिजंगला से पूछ, परमवीर चक्र मेजर शतन सिंह के समेत हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने शहीद गथा यहां पे लिखी कि नहीं लिखी। और इस तरफ उस गलवान से पूछ, और गलवान के कथा इस पेंगोंग के झील से पूछ कि कर्नल संतोष बाबू के समेत उन जवानों ने शहीद बलिदान दिया कि नहीं दिया। और किसी और से मत पूछ, इन्हीं लोगों से पूछ। यहाँ के कंकड़ कंकड़ आपको बताएंगे इनका वीर गथा क्या है, यहाँ के मिट्टी मिट्टी आपको बताएंगे इनका शौर्य क्या है, इस झील के बूंद बूंद पानी आपको बताएंगे इनके खून इस देश के लिए कितना कीमती है। मैं इसे हमारे इस देश के लिए इस मिट्टी में बलिदान दिए ऐसे देश के जो शौर्य जो वीर हमारे सेनाओं को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ आज 75वीं वर्ष पे मैं नमन करना चाहता हूँ। और मैं एक चीज देश के सामने लाना चाहता हूँ, 75वीं वर्ष हम मनाते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है लद्दाख के कुछ एक ऐसे जगह है जहाँ पे 5-6 गांव है 50वीं वर्ष के आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हैं। तुर्तुक इलाका दिसंबर में उस युद्ध को लड़ा और हमने विजय प्राप्त किया, और पाक अधिकृत जो कश्मीर में से 5 गांव को मुक्त करके भारत के साथ जो जोड़ा विलय किया, उस 50वीं जो वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के समय मैं उन जो वीरों को भी नमन करना चाहता हूँ। देखिए, ये हुआ वीर गथा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम सिंध पुत्र सिंधु के पानी पी के, और इस सीमा सुरक्षा हमारा मौलिक, जो हम हमेशा मौलिक अधिकार के बात करते हैं, उसी प्रकार ये मौलिक हमारा दायित्व भी है। और यहाँ हर घर में आपको लद्दाख में कोई आम नागरिक नहीं मिलेगा, कोई आम नागरिक आपको लद्दाख में नहीं मिलेगा। हर घर में आपको एक देश के लिए मरने वाले मिटने वाले सिपाही मिलेगा, और जब देश को जरूरत पड़े दो कदम हम हमेशा आगे रह के देश के लिए मर मिटने के लिए। और उसी हर घर में तिरंगा लगा के आज लद्दाख भी बढ़ चढ़ के देश के साथ, हमारा सौभाग्य है देश के साथ हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस परम अवसर पे मैं पूरे देशवासियों को, हमारे स्वतंत्र सेनानियों से लेके आज के दिन तक इस जो सीमा सुरक्षा के लिए तैनात यहाँ के जो सेना और यहाँ के जो जनता जो है हमेशा देश के लिए तत्पर रहते हैं, मैं सबको नमन करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ, लद्दाख और लद्दाख के समेत अक्साई चीन जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और यहाँ पे इसके पीछे शक्सगम वैली
5000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और उस तरफ जो गिलगित बल्तिस्तान सकर्दो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। बोलो भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं स्वागत करते हुए इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को मैं शत शत नमन के साथ अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है जब मेरे पार्लियामेंट में जो भाषण हुआ था और पूरे देश वाले मुझे इतना प्रेम से कहते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुझे फोन किया, कहा कि आपने पूरे पार्लियामेंट को हिला दिया। मैंने कहा सही में हिला दिया, इसके लिए मोदी जी अभी नया संसद बना रहे क्योंकि पुराना वाला ही। और कुमार विश्वास जी ने मुझे खुद कहा आपके लद्दाख में आके हम कविता सुनाएंगे। मैंने बोला लद्दाख आपका है? और आपने मुझे कहा कि आप कब मुझे बुला रहे हो? मैंने बोला बुलाना क्या है, लद्दाख आपका है, कविता हमारा है। तो इसलिए माध्यम बनी। अब सौभाग्य ये है आज तक बीच में एक माध्यम बना है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पे बड़े बड़े इस मंच पे, धरती के मंच पे जो है बड़े बड़े कविराज यहाँ बैठे हैं, मेरे अभी जो शब्दों का आप लोग निचोड़ के इसका चटनी बना के अच्छा सा स्वाद वाले एक कविता बना के आप मुझे सुनाएंगे कभी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। 75 साल पूरे हुए हैं लेकिन आगे न जाने कितने स्वर्णिम सालों की ओर हम अभी देख रहे हैं। स्पंगन किनारे तट पर उसके वहां से आपने ये कवि सम्मेलन देखा है आज कुमार, पहले गिरिजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां मुझे याद आ गई कि ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। 75 साल हो गए। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। जले देश के द्वार सजग दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना।